इंग्लिश में था आपका, डिफॉरेस्टेशन का तो जंगलों की कटाई है ना, जंगलों को काटोगे तो क्या होगा फिर, ऑक्सीजन की कमी होगी और पोल्यूशन। और अज असीं तुहानूं पठानकोट दी उस महिला दी कहानी दिखाउण जा रहे हां जो बतौर अध्यापक सेवा मुक्त होने तो बाद बच्चों के सिक्ख्या के लिए विशेष काम कर रही है। जितने भी डैम्स वगैरह गिर रहे आपको पता, जितने भी ये उत्तराखंड में हो रहा विनाश हो रहा, ये डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा ना। ये क्या कर रही है सरकारें, क्या कर रही हैं, जंगलों को काट रहे हैं, काट रही है किसके लिए, बिजनेस के लिए। बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पर बना दिए, होटल्स कहाँ बनाए हैं, बिल्कुल दरिया के किनारे ही बनाए हैं, तो उसके कारण क्या, फिर दरिया के किनारे बनाने से क्या होगा, जब बारिश आएगी नीचे से जमीन जो है पूरी की पूरी निकल जाती है और जो पूरे का पूरा जो है वो बह जाता है ना। यही तो जिससे के कारण इसको हम क्या कह देते हैं, डिफॉरेस्टेशन। मैं सुधा शर्मा, रिटायर्ड साइंस मिनिस्टर, शहीद मक्खन सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल पठानकोट। मैं 1983 में इस जॉब में आई थी, तब से लेकर 2020 में मैं रिटायर्ड हुई हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके लिए उनके मौलिक जो विचार हैं उनको उच्च करने के लिए, उनको जो है नीति और अध्यात्म की शिक्षा देने के लिए काफ़ी काम किया है। एक्चुअली जब हम मेरी जो पहली अपॉइंटमेंट वो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल घ्याला में हुई थी, ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल था। वहाँ पर जब मैं जॉब करती थी तो मैं देखती थी बच्चों की बहुत सी मूलभूत समस्याएं थी जिनके साथ वो जूझते थे पढ़ने के लिए। 8वीं तक का स्कूल था फिर भी बच्चों को उस समय 83 में जब मैं जॉब में आई थी तब इतनी उनको सहूलतें नहीं थी। तब मेरे मन में आया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको मूलभूत समस्याएं जो उनकी हैं उनका निवारण होना ही चाहिए। तब मैंने एज ए साइंस मिनिस्टर जो है सेवा के प्रकल्प स्कूल में छोटे छोटे शुरू किए। लेकिन जब 1999 में पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग के साथ जुड़े तो उनकी प्रेरणा से उनसे प्रेरणा मिली और इच्छा शक्ति जागृत हुई कि समाज के लिए और इन बच्चियों के लिए जरूर, बच्चों के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं अपने पैरों पर खड़े हो और सभ्य समाज की संरचना कर सके। तो तब से लेकर हम अब तक जो है बच्चों की एजुकेशन प्रमोशन में बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों की फीस का जुगाड़ कर रहे हैं, जो हर साल 25 से 30 बच्चे जो हैं कॉलेजेस में स्कूल में पढ़ते हैं जिनकी मासिक फीस एक बच्चे की कॉलेज के बच्चे की 18 से 20 हज़ार रुपये है। और जो फीस जो है वो समाज देता है वो भी पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाभाग का एक सूत्र है कि हर परिवार 1 घंटा 1 रुपया समाज की सेवा के लिए निकाले और उस 1 घंटे और 1 रुपये का उपयोग अपने क्षेत्र को सबूत स्वावलंबी सत्य सहिष्णु बनाने के लिए करे। और यही सूत्र लेकर ये खानपुर मनवाल की शाखा जो है पीठ परिषद दत्त्य वाहिनी नंद वाहिनी कार्य कर रही है। इससे जो एकत्रित धनराशि होती है उसके साथ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और भी जितने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका निवारण करने का जो प्रयास किया जाता है, गरीब बच्चियों की शादी, कुष्ठ आश्रम की सेवा, वृद्ध आश्रम की सेवा और मासिक राशन जो है। मैं देखती हूँ कि संस्थाएं राशन देती हैं, महीने में एक बार दे दिया। हमारा 2006 से राशन लगे हुए हैं, 10 परिवारों को राशन लगातार महीने के राशन जा रहे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को राशन की व्यवस्था की जा रही है। तो ये हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए बच्चे हैं, ये सभी जो बच्चे हैं ये कभी बहुत अच्छे अच्छे पोस्टों पर है, यूनिवर्सिटी में कॉलेज में लेक्चरर्स लगे हैं, प्रोफेसर लगे हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। बच्चे जो पढ़ लिख जाएंगे उनकी बुद्धि का विकास होगा तो वो अपने बारे में सोचेंगे, समाज के बारे में सोचेंगे और जो अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण कर सकेंगे और अपने आस पड़ोस की समस्याओं का भी निवारण कर सकेंगे। फ्लड नहीं आया हिमाचल पूरा ही जो है वो पूरे का पूरा हिमाचल बह गया ना पानी में। क्यों बैठ गया, ये सारा इसके कारण है क्योंकि जंगल काट दिए हैं, दरिया के किनारे पर होटल बिल्डिंग बनाई। मेरा नाम नव्या है, मैं शहीद मक्खन स्कूल में 8वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से इस संस्था के साथ जुड़ी हूँ। इस संस्था के साथ जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इधर के मैम और सर बहुत अच्छी हमें शिक्षा प्राप्त करते हैं, इधर बिना कोई फीस के हमें पढ़ाया जाता है और हमारी ज़रूरतें पूरी की जाती है। सबसे बड़ी बात ये है हमारे मैम और सर बहुत अच्छे हैं, ये हमें बहुत अच्छे संस्कार देते हैं। इस संस्था के साथ जुड़ के हमें बहुत खुशी मिलती है। मैं 9वीं जमात में पढ़ती हाँ, मैं इस संस्था नाल 2-3 साल जुड़ी हुई हाँ। मैनू इस संस्था नाल जुड़ के बहुत खुशी मिली है,
सानू सुना मैम बहुत अपने बच्चों वांगू प्यार करते हैं, सानू सर हादी हर एक जरूरत पूरी करते हैं, सानू किसी भी चीज़ की लोड़ हो सुना मैम सानू उस वेले प्रोवाइड करते सन। मैंने इस संस्था नाल जुड़ के बहुत खुशी है। श्रीमती सुधा शर्मा जो है वो मेरी धर्मपत्नी है, जो कि शिक्षा विभाग में कार्य करती रही है, इस समय रिटायर्ड है। और हम दोनों ने इस संगठन से जुड़ कर के उनके मार्गदर्शन में जो है वो इस क्षेत्र में शिक्षा का को प्रोत्साहन देने के लिए, बच्चों में नैतिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए और जो गरीब बच्चियां हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में जो है वो कार्य प्रारंभ किया। और शुरुआत में जो मेरी धर्मपत्नी है स्कूल से आकर के बच्चे जो है अपने क्षेत्र के उनको घर में भी पढ़ाती थी, वहाँ स्कूल में भी उनको नैतिक शिक्षा देनी, और जो निर्धन बच्चियां हैं और जिनके माता पिता उनको आगे शिक्षा दिलवाने में जो है वो सक्षम नहीं होते थे, उन बच्चियों का चयन करके उनको घर से परिवार से और संस्था के साथ जोड़ करके उन बच्चियों को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए ये हमेशा प्रयासरत रही हैं। और इस क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों से ये कार्य जो है वो जिला पठानकोट में चल रहा है, और अन्य प्रकल्प जो हैं संगठन के द्वारा बहुत सारे किए जाते हैं, मगर इसमें मुख्य जो योगदान है वो शिक्षा के प्रसार प्रसार और जो बच्चियां जो हैं वो पढ़ने में माता पिता जो हैं जिनके उनको पढ़ाने में इतने सक्षम नहीं हैं, उन बच्चियों का चयन करके उनको उच्च शिक्षा दिलवा के उनको रोज़गार दिलवाना, ये जो मुख्य कार्य है वो श्रीमती सुधा शर्मा जी के माध्यम से इस क्षेत्र में और ज़िला में इतने वर्षों से चल रहा है। इंग्लिश में था आपका डिफॉरेस्टेशन का, सब जंगलों की कटाई है ना, जंगलों को काटोगे तो क्या होगा फिर, ऑक्सीजन की कमी होगी और पोल्यूशन। और ता ऐसी सुधा दीदी की कहानी जो बच्चियां दी सिक्ख्या दे लई अपने परिवार दे नाल रल के अपना पूर्ण योगदान देती है। पठानकोट तो जतिन शर्मा, न्यूज़ 18 पंजाब।